हाय दोस्तों नमस्ते। तो देखिए आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी लेकर। जो मैंने यहाँ पे देखी है, मैंने मटर लिया है। मैंने मटर को रात भर मैंने भिगो दिया था और अभी मैंने धोकर अच्छे से मैंने पानी निकाल लिया है। इसे मैं कुकर में दे दूंगी। मटर का घुघनी बनाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने सब डाल दिया है कुकर में मैंने मटर को। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक भी डाल देंगे। नमक मटर को सिझाएंगे तो बहुत अच्छे से मटर का बॉइल होता है। और उसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे। वैसे दोस्तों तो देखिए दोस्तों मैंने पानी डाल दिया। मटर को भी अच्छे से मैंने नमक को भी मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब इसे हम ढक्कन लगा के 5-6 सीटी हम आने देंगे अच्छे से। तो हम 5-6 सीटी मारेंगे कुकर में अच्छे से हम मटर, जब तक हमारा मटर देखेंगे सीझ ना जाए। तो देखिए दोस्तों मैंने 6 सीटी मारा था कुकर में। मेरा कुकर ठंडा भी हो चुका है। अब हम खोल के दिखाते हैं हमारा मटर मटर कैसे सिद्ध हुआ है। देखिए दोस्तों हमें ऐसा ही सिद्ध करना है मटर को। हम सरसों तेल में बनाएंगे अपने मटर की घुघनी। तो हमारा तेल देखिए गरम हमने करने के लिए रख दिया था सरसों तेल। हमारा तेल गरम हो चुका है। हमने देखिए 2 बड़े बड़े प्याज लिया है, उसको मैंने कट कर लिया है। मैंने 2 तेजपत्ता भी लिया, उसको भी मैंने तोड़ लिया है। गरम तेल में डाल देंगे। गरम तेल में डाल देते हैं। अब प्याज को अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा नारियल लिया है, उसको मैंने ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने कट किया है। मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर लिया है, उसको मैंने कट कर लिया है। मैंने थोड़ा हरा धनिया को काट कर मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट ले लूँगी। तो दोस्तों मैंने 2 चम्मच लिया है। तो देखिए दोस्तों हमारा प्याज बढ़िया से लाल हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। डाल के 3-4 मिनट अच्छे से भूनेंगे लहसुन मीडियम में। मैंने यहाँ सूखे मसाले में देखिए क्या लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच गरम मसाला। नमक मैंने पहले भी दिया था मटर में, इसलिए मैंने नमक अपना अंदाज लिया है। 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मिर्च पाउडर। मसालों को भी डाल देंगे। मसालों को डाल दिए है, अच्छे से ढक्कन लगा के लोटी बुढ़िया में अच्छे से भूनेंगे मसालों को। तो दोस्तों 6-7 मिनट हो चुका है, मैंने ढककर रखा था लोटी बुढ़िया में। अब देखते हैं उबार के मेरा मसाला अच्छे से भुनाया है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों हमारा मसाला अपना तेल छोड़ दिया है। हमारा मसाला अच्छे से भुना चुका है। अब इसमें हम अपना नारियल डाल देंगे, जो हमने नारियल काट के रखा था। तल के भी इसको अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम अपना जो सिद्ध किया हुआ जो मटर लगे थे उबाल कर, अब उबला हुआ मटर भी हम डाल देंगे। डाल देते हैं मटर। तो नहीं रहेगा फेंकिएगा मत। हमने तो ऐसा थोड़ा सा ही पानी दिया था, हमारा मटर में पूरा पानी एकदम अब्जॉर्ब कर लिया है। ऐसा भी डाल देंगे अपना काट के धो के रखा था वो भी डाल देंगे। मैं सबको धनिया पत्ता मटर को अच्छे से चला देंगे। अब ढक्कन लगा के 3-4 मिनट हम ऐसे ही भूनेंगे। एक दो बार हम चलाएंगे। तो दोस्तों 3-4 मिनट हो चुकी है। हमारा ढक्कन मैंने रखा था, एक दो बार मैंने चलाया भी था ढक्कन लगाकर। अब ऐसे से एक बार और हम चला लेंगे। और इसमें अपने हिसाब से हम पानी डाल देंगे, जितना अपना ग्रेवी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए वो रख सकते हैं। अब इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से उबाल आने तक 5-6 मिनट हम ऐसे ढककर रख देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। हमने 10 मिनट तक रखा था लो टू मीडियम में। हमने 5-6 बार चलाया भी है बीच बीच में, क्योंकि मटर की घुघनी है, नीचे जल जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों हमें इतना ही ग्रेवी रखना है। आप चाहे तो ग्रेवी को और भी सुखा सकते हैं। और हम चावल के साथ सर्व करेंगे तो हमको इतना ही ग्रेवी चाहिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा मटर की घुघनी बन के रेडी है। हमने खाली भी कर लिया कढ़ाई को। हमारा घुघनी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक नहीं देंगे, बाय।